हो सकता है सुबह तक बेबी हो जाए, या कल तो बेबी हो ही। हम पार्लर गए थे लेकिन पार्लर बंद है, दीदी निराश है। गहन बात हो रही है, इनको क्रिसमस की गिफ्ट की पड़ी है। मेरा पिल्लू कितने टाइम में आता है, 16 घंटे से पहले आता है या 16 घंटे के बाद आता है ये। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कट वाली नौनी पे। और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग कुछ इस तरीके से है कि हम लोग सब वेट ही कर रहे थे अपने पिल्लू का कि आने वाला है या आने वाली है। और दीदी से हम रोज यही डिस्कस करते हैं, दीदी कब आएगा कब आएगा, क्योंकि अब ना हमसे भी बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। हमें ये हो रहा है कि हम ठोसू के पास जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ठोसू की याद भी आती है लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। और घर में सब बड़े बड़े ही हैं तो हम लोग काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे कि एक छोटा मोटा प्यारा सा मुन्ना मुन्नी हमारे घर में आ जाए। तो दीदी को आज थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा है और वैसे भी वो डॉक्टर के पास तो जा रही है नॉर्मल चेकअप वगैरह के लिए। तो हमें ऐसा लगता है, मम्मी कह रही वीडियो बना ले वीडियो बना ले, तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारा बिल्लू आज कल कभी में भी आ जाए। लेकिन वैसे अभी पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी अपने पिल्लू के लिए तो हम खड़े हैं स्वागत के लिए। तो बस यही है और देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है, क्या हमारा पिल्लू आज आ पाता है या नहीं, क्योंकि मम्मी कह रही है हो सकता है कि आ जाए। पर खैर जो भी है, अभी दीदी की तबीयत ठीक है तो अभी देखते हैं पूरा दिन कैसा निकलता है, क्या क्या होता है। मम्मी के सिक्स सेंस कह रहे हैं कि हो सकता है आजकल में आ जाए, बट जो डॉक्टर ने बोला है मंडे ट्यूसडे को ही आएगा या उसके बाद भी आ सकता है, जैसे भी ठीक लगेगा। तो दीदी के हेल्थ पे डिपेंड करता है कि कब आएगा कब नहीं। तो फिलहाल हम लोग तो अपना जैसे रूटीन है हमारा, खाना पीना खाना ये वो सब घूमना फिरना वही करेंगे। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। और सबसे पहले कर लेती हूँ मैं सफाई वगैरह, अपना काम निपटा लेती हूँ, पूरा घर का तो हो चुका है। राहुल सो रहे थे इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब करने नहीं आई, तो अब अपना काम कर लेती हूँ फिर चलती हूँ दीदी के पास। और अब हम जा रहे हैं पार्लर दीदी और मैं। तो यार टेंशन अपनी जगह है लेकिन पार्लर जाना भी ज़रूरी है, तो दीदी के साथ जा रही हूँ पार्लर। हमारी गली बन गई है इस तरीके की अच्छी सी प्यारी सी। जब मेरी शादी हुई थी अभी कुछ महीने पहले, यहाँ पर थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ हो रखा था, रोड बन रही थी, अब रोड बन के भी तैयार हो गई है। तो दीदी फटाफट आती है फिर हम जाते हैं। दीदी आओ, तो दीदी आ रही है, पास में ही पार्लर है वहीं जाएंगे। अभी हम पार्लर गए थे लेकिन पार्लर बंद है, दीदी निराश है। और अब हम वॉक कर रहे हैं, हम दो बार चले गए उसके बाद दो बार वापस आ गए, कमी नहीं। अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। हाँ वही तो, कभी मेरा ब्लॉग देखिए और बोली कि मुझे गाली क्यों दे रहे थे, गाली नहीं दे रही मैं गुस्सा आ रहा। हम दो बार चले गए यार, और दीदी को जरूरी भी है तो जाना तो है ही ना, हम उसको आ ही नहीं रही। तो 10 बार कॉल कर दिया, यहीं पे पास में घर है, मतलब ऊपर घर है नीचे पार्लर, आती नहीं है टाइम से। दीदी और भैया और मम्मी जा रहे हैं हॉस्पिटल और ऐसे ही चेकअप के लिए, और मैं बना रही हूँ चने का पुलाव। तो चने और हरी मटर होती है सूखी, उसका पुलाव बना रही मैं। तो अभी चने पकने के लिए रखे हैं मैंने, थोड़ा पक जाएंगे उसके बाद ही बनाऊंगी। और बनाती हूँ दीदी, लोग अभी थोड़ी लेट आएंगे खाना खाने, तो राहुल को तो लग गई होगी भूख, तो बना लेती हूँ मैं ही खाना। अभी तो लोग भी कोई अच्छी न्यूज़ लेके आ जाएंगे। बनकर तैयार हो गया मेरा चने का पुलाव, तो मैंने घी डालिया। अभी राहुल खाएंगे और फिर खा लिया मैंने, अच्छा हो रहा है। तो खाना खा के मैं तो सोने जा चुकी थी, मेरे को नींद भी आ रही थी, अब मैं सो भी गई थी, राहुल काम कर रहे। और अभी ना हो गया, अभी फोन काटो। तो अभी ना तो मम्मी का फ़ोन आया, तो मम्मी ने बताया कि दीदी को आज ही भर्ती करना है, मतलब उनको एडमिट करना है, और आज रात को या फिर आज रात को ही करना है। तो हो सकता है सुबह तक बेबी हो जाए या कल तो बेबी हो ही जाएगा, है ना। हाँ तो बहुत मजा आएगा। अब हम और चीज कर लेते हैं और एक और ब्लॉग बनाएंगे। अभी का ब्लॉग सिर्फ ऐसा था कि बेबी होगा कि नहीं होगा, लेकिन कल शाम को जाएंगे हम, रात को शायद। हाँ रात को, अभी हमें कुछ फिक्स पता नहीं है। अभी भैया हमें फोन करेंगे, जैसे भी होगा हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ, राहुल भी बहुत खुश है, बाकी बातें करते हैं बाद में।
तो ये नूश मिल चुकी है ठोसू की मम्मी को, यानी कि राहुल की बड़ी बहन इनु की मम्मी जो है वो भैया से भी बड़ी हैं, और वो भैया राहुल से बहुत प्यार करती हैं जैसे कि सारी बहनें करती हैं, और वो उनका एक अटैचमेंट हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो वो हो सकता है कि रात को अगर बेबी होता है तो वो ना रुक पाए क्योंकि ठोसू की तबीयत भी ख़राब है, लेकिन उनका मन है तो इसलिए हमारी जो एनु है उसकी भी डिमांड थी कि मम्मा अब जब भी बेबी होगा मुझे पूरे दिन हॉस्पिटल में रहना है। तो छुट्टियां हैं, लकीली उसकी छुट्टियां हैं तो वो रहेगी। और अभी मतलब इनु की मम्मी ठोसू को लेके घर आ रही हैं, घर पे कोई भी नहीं है, राहुल लेने गया है उनको, और ये दीदी के लिए सरप्राइज़ है। दीदी का बहुत मन था ठोसू से मिलने का लेकिन दीदी जा नहीं सकती थी, इसलिए ठोसू खुद दीदी से मिलने आ रहा है। तो जैसे ही दीदी हॉस्पिटल से आएंगी हो सकता है उससे पहले ठोसू आ जाए या बाद में भी आएगा, तो दीदी के लिए सरप्राइज़ है। दीदी ठोसू को देख के बहुत खुश हो जाएगी, फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। वीडियो बीच में ही रुकना पड़ा क्योंकि दीदी और भैया बिल्कुल मेरे सामने आ गए थे, इसलिए अभी वो अंदर है, पिज़्ज़ा खा रही है दीदी, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, बाकी बातें बाद में। ठोसू वाला सरप्राइज़। ये ठोसू के इंतज़ार में मैंने ना गेट भी खुला छोड़ा है, और मैं धीरे से बात करें ताकि मेरी आवाज़ ऊपर दीदी तक ना पहुँचे और सरप्राइज़ ख़राब ना हो। और मेरे लिए हैं थोड़े से चावल, ये देखिए, और ये मेरी सासू माँ ने सिखाया है, जब भी कोई छोटा बच्चा घर में आता है जब बहुत छोटा होता है 3-4 साल तक का, तो उसकी नज़र उतारने का एक तरीका है कि उसको दहली पार तब कराते हैं, पर उसके ऊपर से चावल ऐसे फेराना होता है ऐसे, और फिर इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये भी एक तरीका है, तो मानते हैं और सही भी है, बच्चों के लिए क्या ही बुरा है। और ये हमारा कल्चर भी है, हमारे गढ़वाल में ऐसे ही करते हैं, दाल और चावल लेते हैं बच्चे के ऊपर ऐसे उड़ेलते हैं और फिर इधर उधर फेंक देते हैं। तो राहुल आ गए हैं, देखो ये देखो राहुल आ गए हैं, और अब मेरे की मम्मा भी आ रही है, तो ई रिक्शा से आ गए हैं। ठोसले रोटी आल सा, रोटी आल सा। ये देखो हमारे ठोस मास्टर आज हमारे घर आया है, रोटी आल है, रोटी आल। और ये सब भूखे हैं, मुझे और ये हमारी चल रही है टी पार्टी। अभी देखिए आप इनू की दीदी को कुछ समझा रही है, इनकी बातें सुनिए आप। पेन की इंटेंसिटी बढ़ती है बट ये है कि यू कैन डू इट, अभी हम जाने वाले एक रोलर कोस्टर राइड पे, 16 घंटे है आ तो रहा है। एक यहाँ पे इतनी गहन बात हो रही है, इनको क्रिसमस की गिफ्ट की पड़ी है। क्या लेना था पता? है लेना पता? ये दीदी के बैग पैक हो चुके हैं, कोई डर नहीं है इनको।
डर तो देखिए बहुत है, लेकिन अब की तैयारी पूरी रहती है। और ये इनका मेकअप किट तैयार हो रहा है, छान छान के सब कुछ रखेगी, बाद में क्या पता हमारा स्वास्थ्य कैसा रहे ना। हाँ, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब ब्लॉग शूट हो रहा है तो। हाँ बिल्कुल यार बिल्कुल। गाइड करने वालों की भी कमी नहीं है, ये देखिए ना। और ये कंफ्यूज हो रही है कि बातें क्या हो रही है यहाँ पे। कब आए? तो अभी सब लोग कर रहे हैं रेस्ट, उसके बाद जाएंगे हम। तो अभी हम ये ब्लॉग यहीं खत्म कर देते हैं, करने देते हैं रेस्ट, और हम भी कर लेते हैं खाने की तैयारी। और डॉक्टर ने बोला है कि 9 बजे आना और 10 बजे दीदी को इंजेक्शन लगाएंगे पेन रिड्यूस करने का, और जिससे कि 16 घंटे या तक ही देते हैं मतलब, और उसी बीच दीदी को पेन होगा तो उसी में नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। तो वो 16 घंटे का जो टाइम है, तो देखते हैं हमारा पिल्लू कितने टाइम में आता है, 16 घंटे से पहले आता है या 16 घंटे के बाद आता है, ये आप देख लेना, और उससे बीच में भी आ सकता है। तो अभी ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और बेबी कल की ब्लॉग है। हाँ तो कल जो भी वीडियो आएगा, मतलब आप इंतज़ार करिए कल के ब्लॉग का, बेबी का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, बाय, गुड नाइट।